बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई दानिल मलिक, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू द वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसमें नॉर्मली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने अपना यूट्यूब का चैनल किस तरह ग्रो करना है, आपके पास व्यूज़ कैसे आएंगे, आपके सब्सक्राइबर किस तरह जल्दी बढ़ सकते हैं, और आपका वॉच टाइम कैसे पूरा होगा। इसमें हमारे तमाम तर भाई जो कि यूट्यूब पर अभी न्यू है, जिन्होंने अभी न्यू चैनल बनाया है या जिन्होंने अभी स्टार्ट किया अपना चैनल, वो किस तरह अपने चैनल को जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको बताऊंगा कि आपने वीडियो अपलोड किस तरह करनी है, या वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, आप यूट्यूब चैनल किस तरह बना सकते हैं और जल्दी अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरे साथ साथ रहेगा, आपको तमाम तो डिटेल्स गाइड की जाएगी। जी वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप अपना यूट्यूब चैनल किस तरह बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपका जीमेल का अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका जीमेल का अकाउंट नहीं है तो पहले जाके जीमेल पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसमें आपने यूजर नेम पासवर्ड और अपना कोई भी जीमेल का अकाउंट रखना है, वो आपको वहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक अकाउंट दे देते हैं कि आपने जो भी रखना हो पासवर्ड रख के आप उसको कंटिन्यू करें। उसके बाद आपने यूट्यूब पे राइट साइड पे कॉर्नर पे ऑप्शन आ रहा था साइन इन का, वहाँ पे साइन इन में जाके अपना उसी जीमेल यूजर नेम पासवर्ड को एंटर करके अपना चैनल जो है वो ओपन करना होता है। वहाँ पे आपके पास उसी जगह पे ऑप्शन होता है क्रिएट चैनल का, क्रिएट चैनल पर जाके आप अपने यूट्यूब चैनल को बना सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब चैनल में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है ऐड करने वाली। सबसे जो पहली चीज़ ज़रूरी है वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है और कवर पिक्चर है जो कि आपने लगानी है, जो भी आपका कंटेंट है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपके पास जो आपने चैनल में जो चीज़ें मेंशन करनी है, जो चीज़ें ऐड करनी है, सबसे पहले आपका कंटेंट क्या है, आपने उस कंटेंट के मुताबिक अपने चैनल के अंदर कीवर्ड्स ऐड करने हैं और अपने चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है कि आपका चैनल किस हवाले से है, या अगर आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में तमाम तो डिटेल मेंशन करें, और अगर आपका इसके अलावा कोई सोशल मीडिया का अकाउंट है जहाँ पे आप सेम इसी तरह का काम कर रहे हैं, लाइक इंस्टाग्राम आईडी है या टिकटॉक का आईडी है, तो आप वो अपने लिंक भी वहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा अगर जब आपका यूट्यूब चैनल बन जाएगा तो आपने अपने कॉन्टेंट को किस तरह वायरल करना है, किस तरह आपके पास व्यूज आएंगे, किस तरह ट्रैफिक लेकर आनी है आपने अपने वीडियोस पे। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपने वीडियो बना ली है तो वीडियो बनाने के बाद वीडियो अपलोड कैसे करनी है, वीडियो किस टाइम अपलोड करनी है, वीडियो के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें मेंशन हैं जो कि यूट्यूब में सर्च करें तो सबसे पहले किसी के पास आपकी वीडियो ओपन हो। इसमें सबसे पहली चीज़ आपकी जिस हवाले से वीडियो है आपने उसी के हिसाब से अपना टाइटल मेंशन करना है लाजमी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वीडियो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है तो आपके टाइटल ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ही मेंशन होना चाहिए। सेकंड चीज़ इसमें यह है कि डिस्क्रिप्शन, टाइटल के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपने तमाम तरह डिटेल मेंशन करनी है कि आपकी वीडियो है किस हवाले से, इस वीडियो में ए टू जेड आपने क्या मेंशन किया हुआ, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आप किस चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं, आपने ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मेंशन करनी है। यह है नंबर टू। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है टैग्स। जब आप टाइटल और टैग्स डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं तो थर्ड आपने टैग्स ऐड करने। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई हाजी कामरान खान, आपने अक्सर इनकी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा हाजी साहब, हमारा जो आपसे बेसिकली सवाल है वो ये है कि आपने अक्सर जो लोग यूट्यूब पे लोग न्यू होते हैं या जो लोग वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं उनका कंटेंट आपने देखा होगा कि उनकी क्या ऐसी गलतियां हैं कि उनकी वीडियोस वायरल नहीं हो रही है, व्यूज नहीं आ रहे, आप अक्सर नोट करते होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम पहले तो सब मेरे सुनने वालों को। तो जैसे कि दानिल भाई ने बताया कि अक्सर वीडियोस हम लोग देखते हैं दोनों, अक्सर हम लोगों की वीडियोस लोगों के चैनल हम चेक कर रहे होते हैं, इनमें काफी गलतियां हमारे सामने आ रही होती है लेकिन उनसे हमारा रब्ता नहीं होता, तो हम उनको बता भी नहीं पाते कि आपके चैनल में आपकी वीडियो में क्या क्या गलतियां हैं। तो इस वजह से ये प्रॉपर ये काम स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को आपकी गलतियां बताई जाएं ताकि आप लोग अपने चैनल के ऊपर मजीद मैंने जो कर रहे हैं वो आपकी बेकार ना जाए, जाया ना जाए। आप प्रॉपर जो वीडियो पोस्ट करते हैं उसकी एडिटिंग अच्छी करा करें, उसका थंबनेल अच्छे बनाया करें, थंबनेल अच्छे बनाया करें। तो मैं आपको पूरी इस बारे में डिटेल दूंगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग वीडियो पोस्ट कर रहे होते हैं वो जो टैग टाइटल लिख रहे होते हैं वो टाइटल समझ में नहीं आ रहे होते या उनको वो स्पेलिंग लिखने नहीं आते, तो कम से कम अपने टाइटल जो सर्च में आना होता है ना आप उसको बेहतर किया करें। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं अगर कोई इस्लामिक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो उससे पहले आप जो टाइटल या कोई वीडियो सर्च किया करें और जो टॉप पर आपके पास वीडियो सामने आती है आप उसके टाइटल जो है वहां से कॉपी करके या उससे मिलते जुलते आप अपनी वीडियो में पेस्ट कर दिया करें, पोस्ट कर दिया करें, वही लिख दिया करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वही चीज़ें लिखा करें, फिर टैग जो होते हैं वो यूज़ किया करें डिस्क्रिप्शन के अंदर, तीन से चार या पांच तक आप टैग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड आईटी स्टूडियो में जाकर आपके पास एक टैग यूज शो हो रहे होते हैं
वहां पर भी जाके आप वीडियो से रिलेटेड जो होते हैं टैग यूज किया करें ताकि वीडियो की एसईओ अच्छी हो। और इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि हमारे चैनल की या हमारे वीडियो की एसईओ चेक करें तो हम लोग आपको मुझे जानते ही हैं, तो आप मुझे बताइएगा ये मेरी वीडियो। अच्छा जी, इसमें साहब ने जो आपको तमाम इसकी एक फॉलो अप बताया, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हमारे कुछ बहन भाई जिन लोगों को नहीं पता कि किस तरह टाइटल मेंशन करना है, किस तरह टाइटल लिखना होता है, या उनको स्पेलिंग का कोई मसला होता है, स्पेलिंग की गलती कर रहे होते हैं, तो आपकी वीडियो जिससे रिलेटेड होती है, अगर आप कुकिंग का चैनल है, किसी खाने पीने के हवाले से है, तो आप उसकी कोई ना कोई यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च कर लिया करें जो कि वायरल होती है, वहां से टाइटल आप कॉपी कर लिया करें, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ना लिखें, लेकिन थोड़ा चेंज करके लिख लिया करें जो वायरल होता है। बाकी फर्दर आपको ऐसा बताएंगे। उसमें यही बात है कि आप लोग जो टाइटल होते हैं ना, यही ज्यादा गलती होती है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो सर्चिंग में नहीं आ रही थी। आप जब वीडियो पोस्ट करते हैं उसको बाद आप मुख्तलिफ आईडी से अपनी वीडियो को सर्च किया करें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो की टाइटल अच्छे हैं, एसईओ अच्छी हुई है। यहाँ पे काफी मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनको तो वीडियो के बारे में एसईओ को नहीं पता कि एसईओ क्या होती है या और के टाइटल क्या होते हैं, तो ये इस बारे में कुछ जानना चाहता होगा तो मैंने दानियल भाई का नीचे नंबर भी शो हो रहा था। इसके अलावा भी मेरे जो बहन भाई जो के अभी जिन्होंने नया सफर स्टार्ट किया यूट्यूब पे, या जो पहले यूज कर रहे हैं यूट्यूब और जिनका चैनल ऑलरेडी चल रहा है, अगर उनके पास कोई इशू है इस तरह का कि वीडियो किस तरह अपलोड करनी है, टाइटल में क्या मेंशन करना है, ये एसईओ किस तरह करनी है, और टैग्स को किस तरह के टैग्स यूज करने हैं जिससे उनकी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मेंशन है। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दानियल अंडरस्कोर अफजल अंडरस्कोर मलिक के नाम से, मेंशन कर दे तो मैं वहां पे मुझसे रब्ता कर सकता हूं। दानियल भाई आपकी बात काट रहा हूँ, दानियल भाई के यहाँ पे कुछ मेरे बहन भाई ऐसे भी हैं जिनको एसईओ का नहीं पता, और यूट्यूब की जो पिन आती है उसका नहीं पता, और जो एडसन अकाउंट होता है इसका नहीं पता, उसके बारे में भी कुछ अगर आप बता दें। भाई इसमें एक बात सबसे बड़ी जरूरी अहम है, जो मेरे भाई जो नया यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं वो समझते हैं कि सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा करने के बाद यानी कि डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है। जो मेरे बहन भाई इस पर काम कर रहे हैं उनको ये बताएं कि वो कितना आसान है या कितना मुश्किल है। मैं भी आपके सामने काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए जी, हकीकत भाई साहब ये है कि सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा होने के बाद ही आपका सफ़र यहाँ पे पूरा नहीं होता, उसके बाद असल जो सफ़र है यूट्यूब का स्टार्ट होता है। जब आपके पास आपका यूट्यूब चैनल एड्स एंड अकाउंट से अटैच होता है, जब आपका पिन आती है, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद जब असल डॉलर बनना शुरू होते हैं तब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। और वो भी डिपेंड करता है सब कि आपकी वीडियो किस एरिया में कहाँ देखी जा रही है, उसके मुताबिक आपके डॉलर बनते हैं। ये नहीं होता कि अगर एक वीडियो आपकी वायरल हो गई है तो आपके फ़ौरन से 100 डॉलर बन गए हैं, उसमें भी एक प्रॉपर जो है उसका यूट्यूब का एल्गोरिदम है, उसके मुताबिक पैसे बनते हैं। तो देखिए जी, यही आपके सामने तमाम तर बातें रख दी गई हैं कि ये सफ़र इतना आसान नहीं है, तो दिल से मेहनत करें, इंशाल्लाह हम लोग बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आप भी हमें सपोर्ट करें इंशाल्लाह, तो ये है कि अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी का कोई सवाल हो या किसी को किसी भी चीज़ की यूट्यूब के वाले से कोई हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मैंशन है, मैंने आपको इंस्टाग्राम आई डी बता दी है। तो आज की जो वीडियो है इधरी वाइंड अप करते हैं, इसी के साथ अपने भाई को इजाजत दीजिए और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू द वर्ल्ड।